नगर कौंसल नकोदर दे तीन क्लर्क किते गए सस्पेंड। दो इंस्पेक्टर भी करता नोटिस जारी। घर क्यों कसिया गया शिकंजा, देखो पूरी वीडियो। नगर कौंसल नकोदर च तय बाजारी रेंट का किराया ते होर रसीदा संबंधी लखां रुपए के कपले का मामला सामने आया है। इस कपले के उजागर होने नाल शहर दे विच हलचल पैदा हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस राही जानकारी दिंदे हुए नगर कौंसल नकोदर के प्रधान नवनीत एरीनीता ने दसिया कि उन्होंने दो तीन हफ्ते पहला चंडीगढ़ तो फोन आया सी कि तुहाडे नगर कौंसल नकोदर दियां जो रसीदा भेजिया गई ने काफ़ी हद तक कैंसल हो रही ने, इसकी रिपोर्ट जल्दी भेजी जाए। इस मुद्दे को गंभीरता लेंदे हुए उन्होंने ईओ रणदीप सिंह वड़ैच को रसीदा संबंधी मामले की जांच करने के हुक्म दिए। उन्होंने सारिया ने दो तीन हफ्ते लगातार रसीदा नाल संबंधित अधिकारियों से नज़र रखनी शुरू कर दी। दो तीन हफ्ते बाद उन्होंने पांच अधिकारियों को ट्रेस किया जो इस कपले के शामिल सन, जिन्हां विचों तीन कलर्क ते दो इंस्पैक्टर सन। फिलहाल इन्हां विचों तीन कलर्कां नूं सस्पेंड कर दिता ते दो इंस्पैक्टरां नूं नोटिस जारी कर दिते ने अते अगे विभागी कार्रवाई शुरू कर दिती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होई है, की मतलब इस तरह है जी, साडी कमेटी दे विच अज तों कोई दो तीन हफ्ते पहलां सानूं चंडीगढ़ तों एक कॉल आउंदी है PMIDC वालों कि साड़ी कमेटी दियाँ जो रसीदा कट के जांदियाँ और रसीदा कैंसल बहुत हो रही हैं। उस दे रिगार्डिंग मैं फिर ईओ साहब नूं लिखता है कि इसकी जांच करवाई जाए कि अपनी रसीद क्यों कैंसल होंदी है, क्योंकि जिहड़ी रसीद है वह बगैर ईओ साहब दे कैंसल नहीं हो सकती। कोई भी मुलाजम अपने पद्धर ते रसीद कैंसल नहीं कर सकता। उस तो बाद दे विच लगभग दो हफ्ते असी जो निगरानी है इन सारे मुलाजमान ते रखी। दो हफ्तों तो बाद पांच मुलाजम जो आइडेंटिफाई हुए है, जिन्हां दे विचों दो साडे इंस्पैक्टर ने मिस्टर घनश्याम एंड सैकेंड हैगा जी मिस्टर जोगराज जी, और तीन साडे कलर्क ने उन्हां दे विच जतिंदर कपूर, अशोक कुमार, निर्दोष कुमार। इन तिना कलर्कों नूं इमीजिएट इफेक्ट दे नाल सस्पेंड कर दिता गया, और जो साढ़े दो इंस्पैक्टर ने उन्हां दे खिलाफ विभाग नूं लिख दिता गया। ये जो रसीद बुक वाला घोटाला सी, इस दे विच करदे की सी कि जदों सानूं कोई भी शहरी किसी भी तय बाजारी या रेंट की रसीद कटा के जांदा सी, उस दे जान मगरों ये जो पंजे मुलाजम हन ये रसीद कैंसल करके और पैसे अपने निजी जेबां विच पा लैंदे सी, जिस करके जो जांच हुई है जांच दे विच पंजे मुलाजम जिहड़े आ इन्हां पंजां दियां आईडियां बनिया हुई हैं। ये पंज आईडियां जो है ये पंजां आईडियां दे विच गड़बड़ी पाई गई है, पंजां आईडियां दे विचों ही रसीदां कैंसल कीतियां गईयां, और इस करके इन पंजा खिलाफ ही जो है असी नगर कौंसल ने इन्हों के खिलाफ कार्रवाई करती है। ये जांच का विषय है जी, आने वाले दो चौं दिन सारा यदा रिकॉर्ड और सारा किन्नी राशि है किन्ना किन्ना है और किस किस आईडी दे विच किन्ना किन्ना है वह सारा ही तुहानू एक दो दिन मुहैया करा दिता जाऊगा। कुछ पैसे जमा नहीं करवाया जी बिल्कुल। एक कर्मचारी जो इन्हां दे विच सस्पेक्ट एक सस्पेक्ट जिहड़ा है उन्हें कुछ पैसे हुण जमा करवाए हैं जिहड़े कि उन्हें पहला करवा देने चाहिए सी, पर चलो जिस तरीके इन्होंने गलती की है तो वह पैसे जिहड़े आ हुण जमा एक सस्पेक्ट ने करवाए है वह भी साढ़े ध्यान चाहिए। सर एक जिवें आपां पंजाबी कहावत कहदी है छोटियां मछलियां जिहड़ियां फड़ियां गईयां कुछ वड्डियां मछलियां इस तरह है जी। इन्हों छोटी मछली ना कहो तुम, ये दो इंस्पैक्टर रैंक के अधिकारी ने, तीन कलर्क ने, ये कोई लोकल या छोटे लैवल के अधिकारी नहीं है, ये कलर्क लैवल के अधिकारी ने और इंस्पैक्टर लैवल के अधिकारी ने जिन्हां दे अंडर साडियां शाखावां आउंदियां विभाग आउंदे आ रेंट ते तय बाजारी विभाग इन्हां दे अंडर आ तिन्हां दे अंडर। सर तुहानूं कितना पता लगा इस बारे? मैं तुहानूं अगे बेनती की जी PMIDC तो सानूं फोन कॉल आउंदी है और फोन राही सानूं सूचित करते हैं कि तुहाडियां जो रसीदा है वह कैंसल हो रही हैं,
और नकोदर शहर दियाँ ज़्यादा हो रही तो उस करके सू शक पे इन्हों से अभी शक के आधार बना के इन्हों निगरानी रखी है निगरानी के पंजे जड़े आ काबू आ गए। सर कोई शक आइडिया है किसीदा का घबला हो सकता या कि रकम का हो सकता? इस वेले दसना मुश्किल आ जी, घपला है, घपला भी ज़्यादा है, मैं नहीं कह सकता कि थोड़ा है, घपला भी ज़्यादा है और लगभग साल डेढ़ साल और दो साल तो जब तो ये कंप्यूटराइज होया है काम उदों तो चल रहा है और जिन्ना भी इन्होंने मुलाजमान ने घपला किया होएगा, जिन्ना भी इन्होंने नगर कौंसल को वित्तीय नुकसान पहुँचाया होएगा वो सारे का सारा समेत 18% ब्याज के नाल इन्हों को भरपाई कराई जाएगी। सर इन्हों तो अलावा होर भी हो सकता हो? ये सारा टिंगरा साहब अगर सारी चीज़ ही जांच का विषय है, ये तो हुण बकायदा एक टीम का गठन किया जाएगा, अपने कौंसलर साहबाना की एक कमेटी जो है वो बनाती जाएगी जो इन सारे मुलाजमान से निगाह रखिया करेगी, क्योंकि शहर वासियों भी मैं तुहाडे माध्यम राही एक बेनती करना चाहुंदा कि असी शहर नूं एक साफ सुथरा और भ्रष्टाचार मुक्त जो है प्रशासन देण लई तैयार बैठे हाँ और शहर वासियों तो इस सहयोग की मंग करते हैं कि तुहानू साडी नगर कौंसल दे विच कोई भी मुलाजम अगर तुहाडे तो किसी भी तरह का कोई भी फरौती सॉरी कोई भी किसी भी तरह की रिश्वत जो मंगता है वो रिश्वत का तुम साढ़े ध्यान के लैके आओ, किसी को अपने करा काम कराने के एवज के पंजी भी नहीं देनी। एक एक काफ़ी टाइम हो गया जी इन्हों इन्हें इस तरह नहीं है जी, इन्हें इन्हों की रीशफलिंग होंगी रही है, समय समय सर होंगी रही है और असं फिर हूँ फिर दोबारा इन सारे मुलाजमान को रीशफल कर जा रहे हैं। वो जो तुहाडा क्वेश्चन है बड़ा जायज़ है जी, वो इस तरह होंगे है कि कोई बंदा कोई जो आदमी कर्मचारी है वो किसी काम के निपुण होंगे, जो तो उस काम से निपुण होंगे कोई बंदा अगराही के निपुण आ उदे करके नगर कौंसल आमदन ज़्यादा होंगी, वो ज़्यादा पैसे अगरा के लिया ता करके उस मुलाजम को उस जगह पर लाया जाता, होर कोई ये कारण नहीं है। सर एक सवाल हो रहा जिहड़ियां नगर कौंसल वालों जिहड़ियां रसीदां दुकानदारां नूं जां बड़ियां लैण कट्टियां जांदियां वो भी हो सकता उहदे विच उहनां विच ही घपला है? बिल्कुल जी, मैं तुहानूं दस के चुका जी, जिहड़ियां दुकानदारां नूं तय बाजारी दियां रेंट दियां जां होर भी NOC जां होर भी किसी तरीके की रसीद जो दुकानदारां और आम शहरियों नूं दित्ती जांदी है ये सारा घपला ही उहनां दे विच। सर जिहड़ियां रसीदां हुण उहनां कोल पईआं पुरानीआं रसीदां पईआं ओह नगर कौंसल दी जायज़ मन्नियां जाणगीआं? नहीं जी, ये बिल्कुल जांच करा के जेड़े जेड़े उन्होंने पैसे गबन किए जेड़ा जेड़ा घपला उन्होंने किया है वो आइडेंटीफाई करके वो पैसे उन्होंने भरवाए जाएंगे और जो शहरियों का कोई नुकसान नहीं होता नुकसान नहीं होने देवे, शहर वासियों की जड़िया रसीदा है वो वैलिड हैं। इसकी जाँच जो है फरदर मानयोग साढ़े EO साहब करे और बड़े काबल और बड़े अच्छे इंसान ने और मैं उम्मीद करदा कि वह बिल्कुल दुध का दुध पानी का पानी करके रखेंगे। इस तरह है जी, देखो जे किसी भी कारण करके किसी भी चीज़ के किसी को कोई समझ नहीं आती या किसी को कोई जानकारी लेना चाहता है तो वह पहले साढ़े ऑफिस में संपर्क करे, जो तुसी जिहड़ी गल कर रहे हो वो बारे भी असी जांच करवाई है, वो 0 पैसा घपला 0 पैसा वो कोई किसी किस्म का कोई आधार ही नहीं है, वह बगैर आधार तो गल्ला हो रही हैं कोई आधार नहीं आता। सर एक सवाल होर जी, एक एकता ने खबर चलाई थी Jio के जिहड़े खंभे लग रहे हैं वो हाउस में मता पास होया सी जी? इस तरह है जी, हर चीज़ जो है वो हाउस के मता पास करके नहीं होंगी, हुण साडे जिहड़े विभाग बंडे हुए ने हुण अपना जिहड़ा है बिल्डिंग ब्रांच ही है वो नक्शा चाहे तुसी 5 करोड़ की कोठी बना रहे हो चाहे 50 लाख की कोठी बना रहे हो नक्शा जो है उस विभाग ने पास करना, ये नहीं है कि जो 5 करोड़ की कोठी बनाने लगे है उस पैसे ज़्यादा हाउस में आने हैं तो हाउस के मता लैके आइए, इस तरह नहीं होंदा, एक काम बंडे हुए ने विभागों और डिफरेंट डिफरेंट जिहड़े विभाग है अपना काम बखूबी निभा रहे हैं और इस तरह की कोई गल नहीं है। नहीं मैं बगावत नहीं मैं बगावत नहीं समझता जी, मैं तो तुहाडे माध्यम राही कोई बेनती करना चाहूँगा हरेक शहरी नूं कि वो जे भी किसी भी काम के कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो कृपा करके साडे दफ्तर के संपर्क करन, असीं उन्हां नूं सारी जानकारी मुहैया करावांगे। नहीं जी मैं गौरव जैन की गल कर रहा जिहड़े MC ने MC पति ने
ਉਹ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੀਓ ਦੇ ਖੰਭੇ ਆ ਇਹ ਈਓ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਗਵਾਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੀਓ ਦੇ ਖੰਭੇ ਜੋ ਲੱਗੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਖੰਭੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਰਸੀਦਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਗਲਤੀ ਲੱਗੀ ਆ ਜਾਂ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਸੀਦ ਕਟਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਸੀਦ 'ਤੇ ਪਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਰਸੀਦ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸੀਦ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਸੀਦਾਂ ਉਹ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਰਸੀਦ 'ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਰਸੀਦ 'ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਲਵਲੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਤਾਕਤ, ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਪਤ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਅਨੇਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੜੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰੋਗੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਉਮਰ ਹੋਵੇ 25 ਜਾਂ 80, ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ। ਦਰ ਦਰ ਨਾ ਭਟਕੋ। ਕਾਂਤ, ਸ਼ਿਗਰ ਪਤਨ, ਘੱਟ ਸ਼ਕਰਾਣੂ, ਸੁਪਨ ਦੋਸ਼, ਨਾਮਰਦੀ, ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜ਼ਮਾਓ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਵਰਮਾ ਦਵਾਖਾਨਾ, ਨੀਅਰ ਨਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ, ਫਗਵਾੜਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 98150 6471, 98150 6471।